अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर एंड बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर, दैट इज द लास्ट टॉपिक ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स। इसमें ये बहुत इजी है, बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर जो क्लासिकल में भी हम पढ़ते रहे हैं, पहले उनको डिस्कस करेंगे, फिर उनका मॉडर्न कॉन्सेप्ट देखेंगे हम कि मॉडर्न फिजिक्स में उन्हीं फोर्सेस को क्या नेम हम देते हैं, लास्ट में बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर को डिस्कस करेंगे। तो बेसिक फोर्सेज ऑफ नेचर आर फोर फोर्सेज, that is strong nuclear forces, electromagnetic forces, weak nuclear forces and gravitational force. And last mein jaise aapko maine pehle bhi bataya ki we will discuss the concept of these forces in the modern physics. And second part of the lecture will be relevant to the building blocks of matter. बिल्कुल ऐसे ही जैसे किसी building को बनाने के लिए जो है वो हम different means जैसे bricks वगैरह का use करते हैं, जिस तरह से building बनती है, तो similarly जो मैटर है हमारे पास नेचर में प्रेजेंट, लिक्विड सॉलिड गैस, तो दे आल्सो हैव देयर ब्लॉक्स, ये किसी चीज से पार्टिकल से मिलकर बनी है। तो हमने आज देखना है कि कौन कौन से पार्टिकल्स हैं जिनकी हेल्प से आपका सॉलिड लिक्विड और गैस जो है वो बनते हैं। तो दैट्स व्हाई हम यहाँ पे ये लिखा हुआ है हमने क्लासिफिकेशन ऑफ पार्टिकल्स, तो क्लासिफिकेशन ऑफ पार्टिकल भी आज हम देखेंगे वन बाय वन। सबसे पहले हम अपना इजी सा टॉपिक देखेंगे बेसिक फोर्सेज ऑफ नेचर में। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे हमारी बुक में आती है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो आपको पहले भी मैंने बताया है कि बेसिकली न्यूक्लियर वर्ड मीन न्यूक्लियस, तो जो भी चीज में न्यूक्लियर का वर्ड आता है तो दैट इज डायरेक्टली रेलेवेंट टू द न्यूक्लियस। सो दिस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज बेसिकली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो प्रेजेंट फॉर द न्यूक्लियस है, जिसके लिए स्ट्रॉन्ग होती है और शॉर्ट रेंज होती है, बिकॉज इट इज ओनली कन्फाइंड विद इन द न्यूक्लियस, ये सिर्फ न्यूक्लियाई को डील कर रही होती है। दैट्स वाई हम इसको शॉर्ट रेंज बोलते हैं, और ये न्यूक्लियस जो है उसके प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स को बाइंड करती है, उनके बिटवीन प्रेजेंट होती है, और क्योंकि ये बाइंड रखती है ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स न्यूट्रॉन प्रोटॉन को, तो इसको एज अ ग्लू भी कहते हैं, और इसी वजह से जो है इसको यहाँ पे ये दिया भी हुआ है कि इसको रिप्रेजेंट करते हैं विद द वर्ड ग्लू। तो जैसे ग्लू किसी भी चीज को होल्ड करके रख सकती है, उनको इकट्ठा रखती है, सिमिलरली न्यूक्लियॉन्स दैट इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स जो है वो प्रेजेंट रहते हैं इनसाइड द न्यूक्लियस ड्यू टू स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और अगर सेपरेशन बिटवीन द न्यूट्रॉन प्रोटॉन इंक्रीज हो जाए 10^-14 मीटर से ज्यादा हो जाए, तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है वो निग्लिजिबल कंसिडर होती है, उसका कोई इफेक्ट नहीं रहता। तो ये है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, दैट इज शॉर्ट रेंज फोर्स एंड प्रेजेंट बिटवीन द न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस। एंड सेकेंड जो फोर्स है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, इट इज लॉन्ग रेंज फोर्स, बिकॉज ये फोर्स जो है वो डील करती है बिटवीन द फोर्स बिटवीन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, यानी कि स्ट्रक्चर के अंदर नॉट ओनली न्यूक्लियस बल्कि एटम्स किसी भी स्ट्रक्चर में उसके एटम्स जो मॉलिक्यूल्स जो बाइंडेड होते हैं आपस में एक दूसरे के साथ बाउंड होते हैं एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो वो बाइंडिंग ऑफ दैट एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इज ड्यू टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। वो बाइंडिंग जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से होती है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर में ज्यादा लॉन्ग टर्म में यूज है, यानी कि इसका एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को डील करती है, तो दैट्स व्हाई हम इसको बोलते हैं लॉन्ग रेंज फोर्स, लॉन्ग रेंज फोर्स इसे कहते हैं। बट इसकी स्ट्रेंथ कम होती है एज कम्पेयर टू स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, इट इज इट्स स्ट्रेंथ इज जस्ट 10^-2 टाइम्स ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रॉन्ग फोर्स। तो जस्ट इसकी यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को बाइंड करती है, और इसकी जो कम ये होती है वो इनवर्स स्केयर, यानी कि 1/d स्केयर, यानी कि आपके एटम्स एंड मॉलिक्यूल में डी स्केयर जो 1/d स्केयर सेपरेशन है, जैसे जैसे वो इंक्रीज होती जाएगी वैसे वैसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की जो स्ट्रेंथ है वो कम होती जाएगी। तो इट इज प्रेजेंट बिटवीन द इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स। तो थर्ड हमारे पास जो नेचर में फोर्स है वो वीक न्यूक्लियर फोर्स है, अगेन द फोर्स रेलेवेंट टू द न्यूक्लियस, इसको भी शॉर्ट रेंज बोलते हैं क्योंकि न्यूक्लियस से रेलेवेंट है। तो जिन आपके न्यूक्लियस के पास जो उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूट्रॉन प्रोटॉन कम होती है, वीक न्यूक्लियर फोर्स होती है, वो अनस्टेबल होते हैं, और इनके वीक न्यूक्लियर फोर्स की वजह से अनस्टेबिलिटी जो है वो आपके गहन के अनस्टेबल एलिमेंट्स जो हैं वो बनते हैं, जो कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, और रेडियो एक्टिव डिके का जो प्रोसेस है वो ट्रिगर होता है ड्यू टू वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो इस प्रोसेस में मोस्टली जो है वो हमारे पास यहाँ पे बीटा डिके हो सकता है, पर इसकी स्ट्रेंथ जो है वो प्रीवियस दोनों फोर्सेस से बहुत कम होती है, इट इज ओनली 10^-9 टाइम्स ऑफ दैट ऑफ द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, उससे सिर्फ 10^-9 टाइम जो है उसका पार्ट होती है, जितनी स्ट्रॉन्ग आपकी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होती है उसका जस्ट 10^-9 टाइम के पार्ट होती है। और इसको जो है फर्दर यहाँ पे साइंटिस्ट जो है उन्होंने
यहाँ पर एक रिजल्ट दिया कि वीक एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स दोनों मिलकर एक न्यू फोर्स यानी कि एक सिंगल फोर्स जो है वो बनाते हैं, दैट इज इलेक्ट्रो वीक फोर्स। इसी इलेक्ट्रो वीक फोर्स की बेस पे डॉक्टर अब्दुल सलाम को अलॉन्ग विद टू अदर फेलोज जो है वो नोबेल प्राइज भी मिला था, बिकॉज उन्होंने ही ये वीक एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है दोनों को इकट्ठा कर एक न्यू फोर्स का कॉन्सेप्ट दिया, दैट इज इलेक्ट्रो वीक फोर्स। इलेक्ट्रो मीन दैट वॉज रेलेवेंट टू द चार्जेस प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन, और उनके बिटवीन जो वीक फोर्स है वो इन दोनों की वजह से होती है, बिटवीन बिकॉज ऑफ द वीक न्यूक्लियर फोर्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो ये एक फोर्स है, थर्ड फोर्स नेचर में, और फोर्थ फोर्स जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ हम बहुत ज्यादा फेमिलियर हैं। ये फोर्स भी जो है वो स्ट्रॉन्ग फोर्स का बहुत ही कम पार्ट होती है, ओनली 10^-38 टाइम्स ऑफ द स्ट्रॉन्ग फोर्स, बहुत लेस होती है, बट लॉन्ग रेंज है क्योंकि वी नो दैट इट इज एक्सटेंडेड टू द प्लांट्स, स्टार, गैलेक्सीज, हर चीज जो आपकी नेचर में आपके अराउंड है उन सब पे ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही सब कुछ स्टेबल है। लेस होने के बावजूद जो है ये स्टेबिलिटी में हमारी हेल्प करती है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वीकेस्ट ऑफ ऑल द फंडामेंटल फोर्सेस बट वेरी हेल्पफुल फॉर अस। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे कि हम जो है अपनी इन्हीं फोर फोर्सेस को मॉडर्न फिजिक्स में किस तरह से देखते हैं। मॉडर्न फिजिक्स में जो आपकी ये वीक फोर्सेज हैं ये और आपकी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेज, उनमें बेसिकली आपके पास जो फोटॉन्स हैं वो इन द फॉर्म ऑफ क्वांटा यानी कि हम उन्हें बंडल ऑफ एनर्जी की फॉर्म में कंसिडर करते हैं, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस को भी हम उसी फॉर्म में लेकर आते हैं। फोटॉन्स यानी कि हम डिफ्रेंशिएट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जो कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इसको बोलते हैं इन द क्लासिकल फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स की लैंग्वेज में हम उसे बोलते हैं फोटॉन्स, यानी कि जो हमने काफी ज्यादा प्रीवियस यूनिट्स में भी पढ़ा कि फोटॉन्स जो हैं दे आर द पैकेट ऑफ एनर्जी, बंडल ऑफ एनर्जी, क्वांटा है। तो ये क्वांटा जो है यहाँ भी कंसिडर किया साइंटिस्ट ने मॉडर्न फिजिक्स में कि क्वांटा ऑफ द इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोमेट्रिक फील्ड्स जो है इट इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज, तो इसको फोटॉन्स का नेम दिया। सिमिलरली स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेज को डिफ्रेंशिएट किया, जैसे उसको हम क्लासिकल में एज अ ग्लू जो है कंसिडर करते थे, तो उसको न्यू मॉडर्न फिजिक्स ने नेम दिया ग्लूऑन्स का। एंड वीक फोर्सेज मेडिएटेड मीन डिफ्रेंशिएटेड बाय द डब्ल्यू एंड जेड बोसॉन्स, तो ये भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जो न्यूट्रॉन या प्रोटॉन के इनसाइड प्रेजेंट होते हैं, डब्ल्यू एंड जेड बोसॉन्स, ये भी हम क्लासिफिकेशन में देखेंगे भी। तो इनकी वजह से जो है, क्योंकि वीक फोर्सेज में हमने कहा कि रेडियो एक्टिविटी ट्रिगर होती है, तो ये डब्ल्यू एंड जेड बोसॉन बेसिकली इनके रिमूवल की वजह से पार्टिकल्स जो है वो रेडियो एक्टिव पार्टिकल अपने आप को चेंज करते रहते हैं, डीके करते हैं। और इसी तरह ग्रेविटेशनल फोर्स को मॉडर्न फिजिक्स में जो नेम दिया गया वो दैट इज ग्रेविटॉन्स। तो अभी हम देखेंगे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट हमारा होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट आर द एलिमेंट्री पार्टिकल्स। तो एलिमेंट्री पार्टिकल बेसिकली वो पार्टिकल होते हैं दैट आर इंडिविजिबल, जो डिवाइड ना हो सके, तो जिस पार्टिकल की भी फर्दर डिवीजन ना हो सब एटॉमिक पार्टिकल्स में दैट आर कंसिडर्ड एज द एलिमेंट्री पार्टिकल। तो स्टार्ट में जो है यहाँ पे एक हिस्ट्री भी दी हुई है कि ग्रीक जो आपके पास कॉन्सेप्ट था ग्रीक वर्ड एटमोस जो है वो एटम उसी से लिया गया है, एंड अकॉर्डिंग टू द ओल्ड आप कह सकते हैं कि कॉन्सेप्ट यहाँ पर एटम को भी एज अ एलिमेंट्री पार्टिकल कंसीडर किया जाता था, मतलब यहाँ पे ये समझा जाता था कि एटम्स जो हैं वो फर्दर किसी और पार्टिकल में डिवाइडेड नहीं है। बट लेटर ऑन जो डिस्कवरीज हुई 20th सेंचुरी में उसमें ये पता चला कि एटम्स नॉट एन एलिमेंट्री पार्टिकल बट इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स। एंड उसके बाद फर्दर जो है फिजिक्स की हिस्ट्री में नेक्स्ट जो है डिस्कवरीज के रिजल्ट में इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स को भी क्लासीफाई किया, एंड ये पता चला कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन ऑल्सो फर्दर जो है दे आर नॉट एलिमेंट्री पार्टिकल, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इज ऑल्सो सब डिवाइडेड इंटू अदर स्मॉलेस्ट पार्टिकल। तो जो सबसे छोटा पार्टिकल डिस्कवर हुआ वो था क्वार्क, दैट इज नेम्ड एज क्वार्क्स। तो क्वार्क बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है यानी कि इनसे पार्टिकल बनना शुरू होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन है इट इज एलिमेंट्री पार्टिकल, इट इज नॉट फर्दर डिवाइडेड इंटू एनी अदर पार्टिकल, बट प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स दे आर नॉट ट्रूली एलिमेंट्री पार्टिकल, ये फर्दर डिवाइडेड है। तो यहाँ पे हम क्लासिफिकेशन देखते हैं, यहाँ मैंने आपके लिए एक फिगर शो की है। बेसिक जितने भी फंडामेंटल पार्टिकल हैं उनकी दो कैटेगरीज हैं, मेन कैटेगरीज हैं लेप्टॉन्स एंड हेड्रॉन्स। तो लेप्टॉन्स जब 6 लेप्टॉन्स हैं हमारे पास, जिनमें से 3 की एग्जाम्पल यहाँ मैंने शो की है, लेप्टॉन्स फर्दर डिवाइड होता है। जब लेप्टॉन जो है डिविजिबल होता है लेप्टॉन के रिजल्ट हमारे पास इलेक्ट्रॉन, म्यूऑन्स एंड न्यूट्रिनो बनते हैं, ये इसकी एग्जाम्पल हैं। बट नेचर में 6 लेप्टॉन्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। और इसी तरह हेड्रॉन्स जो हैं
ये भी फंडामेंटल पार्टिकल है, इनको फर्दर डिवाइड किया हुआ है मीजॉन्स एंड बेरियॉन्स में। इसमें मीजॉन्स जो है इनकी यहाँ पे जस्ट अभी मैंने टू एग्जाम्पल शो की हुई है पायॉन्स केऑन्स, लेकिन इनमें आपके पास न्यूट्रिनो और ये सब और पार्टिकल्स भी इसमें शामिल होते हैं। सिमिलरली बेरियॉन्स जो है ये फर्दर डिवाइड होते हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन में, यानी कि हेड्रॉन के टू फर्दर पार्ट हैं, दो फर्दर डिविजन हैं, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ मीजॉन्स एंड बेरियॉन्स। तो इसमें इजी है ये अंडरस्टैंड करना। बेसिकली हेड्रॉन्स जो है ये इनकी डीलिंग है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेज के रिजल्ट में, ये बनते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेज के साथ, और इनका जो मैस होता है वो इन बिटवीन द मैस ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होता है, यानी कि प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन के मैस के बीच में कोई इसका इनका मैस होता है और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेज के रिजल्ट में ये बनते हैं। और ये आपके जो मीजॉन्स हैं ये और भी सबसे लाइटेस्ट पार्टिकल पायॉन्स में, केऑन्स वगैरह में ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, और बेरियॉन्स वी हेड्रॉन्स की अदर का अदर पार्ट है। और इसी तरह लेप्टॉन्स जो हैं वो फर्दर जब डिवाइड हो जाते हैं, क्योंकि ये सारे पार्टिकल एलिमेंट्री हैं, ये सिक्स ही हैं नेचर में लेप्टॉन्स। तो ये थी इनकी क्लासिफिकेशन। और लेप्टॉन्स में एक और इंटरेस्टिंग थिंग ये है कि लेप्टॉन्स जो है वो वीक न्यूक्लियर फोर्सेज के इंटरेक्शन की वजह से प्रोड्यूस होते हैं, वीक न्यूक्लियर इंटरेक्ट फोर्सेज का जो इंटरेक्शन है वो इनको डील करता है, और हेड्रॉन्स को डील करता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेज। तो यहाँ पे हमारी बुक का भी इमेज है, इसमें भी फर्दर ये आपको मैंने वैसे समझा भी किया है ऊपर वाली फिगर की हेल्प से, यहाँ पे भी यही है कि मीजॉन एंड बेरियॉन्स फर्दर डिवाइडेड इनटू सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो यहाँ मीजॉन्स के और भी ज्यादा पार्टिकल्स लिखे हैं, इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, फोटॉन्स, और पायॉन को ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, और बेरियॉन्स जो है उसके दो मेन पार्टिकल हैं प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। तो आपके पास जब भी प्रोटॉन न्यूट्रॉन फर्दर डीके करते हैं तो इनमें से न्यूट्रॉन, फॉर एग्जांपल अगर न्यूट्रॉन है तो ये सब एटॉमिक पार्टिकल डब्ल्यू एंड जेड बोसॉन जो है इनमें फर्दर प्रेजेंट होते हैं बेरियॉन्स के अंदर। तो अगर एक न्यूट्रॉन डीके करता है तो बेसिकली उसमें से अगर डब्ल्यू बोसॉन रिमूव हो जाए तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द प्रोटॉन। तो आपके बेरियॉन्स के एवरी डीके में एक्सेप्ट प्रोटॉन इटसेल्फ जो भी पार्टिकल बनते हैं वो बेसिकली प्रोटॉन ही बनते हैं। तो लेप्टॉन्स ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये टू एलिमेंट्री पार्टिकल है, सिक्स लेप्टॉन्स है जिनमें से थ्री की एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिखाई हैं, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन्स एंड न्यूट्रिनोस। तो इसके बाद सबसे लास्ट जो बिल्डिंग ब्लॉक है, सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे स्मॉल पार्टिकल वो क्वार्क हैं, यानी कि सबसे पहले नेचर में क्वार्क कम्बाइन होते हैं, उसके बाद न्यूट्रॉन बनते हैं, प्रोटॉन बनते हैं, इलेक्ट्रॉन बनते हैं, लेकिन सबसे पहले कम्बिनेशन जो होता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन बनाने के लिए वो क्वार्क का होता है। देयर आर सिक्स डिफरेंट क्वार्क्स, ये नेम साइंटिस्ट ने जो रखे हैं वो यू डी एस सी बी एन टी ए। U mean up quark, D mean down, S mean strange quark, and C mean charm quark, and B means bottom quark, and T mean top quark. तो ये छह quarks हैं, और इन छह के आपके पास जो quark हैं, इनके anti quark भी present हैं। अगर इन छह में से three quarks मिलकर कोई particle बनाते हैं, तो उस particle अगर इन तीनों के थ्री एंटी क्वार्क मिले तो वो उसी पार्टिकल का एंटी पार्टिकल बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर इनमें से कोई तीन मिलकर प्रोटॉन बनाते हैं तो इनका अगर इनके तीनों के एंटी पार्टिकल मिलेंगे वो एंटी प्रोटॉन बनाएंगे। सिमिलरली मीजॉन्स जो हैं उनके अंदर भी क्वार्क और एंटी क्वार्क प्रेजेंट होता है। यहाँ पे चार्ज गिवन है हमारी बुक के अंदर, थ्री जो क्वार्क्स हैं अप क्वार्क, चार्म क्वार्क एंड टॉप क्वार्क, इन तीनों का चार्ज 2/3 ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, एंड रिमेनिंग का -1/3 ऑफ द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो आपके पास हर एक जो एंटी क्वार्क है उसका चार्ज, यानी कि जिस तरह से आम पार्टिकल होते हैं उनका इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज होता है, बट साइन ऑपोजिट होता है, इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज कैरी करते हैं हर एक क्वार्क का एंटी क्वार्क भी। तो सिंपल अगर सिंबॉलिक फॉर्म में हम क्वार्क्स को देखें तो इनके जो एंटी क्वार्क्स होते हैं उनको जस्ट हम एक बार से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है आपके इसके सामने न्यूट्रॉन प्रोटॉन की फॉर्मेशन में, तो यहाँ पे डिफरेंट शेप के साथ शो किया हुआ है। यहाँ पे अप क्वार्क को ब्लू कलर से शो किया हुआ है और डाउन क्वार्क को रेड कलर से शो किया है, और नीचे दिखाया है कि न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन कितने अप और डाउन क्वार्क को जो है वो कैरी करते हैं। तो न्यूट्रॉन के इनसाइड जो है वो हमारे पास यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि टू डाउन क्वार्क हैं और वन अप, तो जब टू डाउन क्वार्क मिलेंगे और वन अप तो हमेशा न्यूट्रॉन बनेगा। सिमिलरली जब टू अप क्वार्क एंड वन जो है वो हमारे पास डाउन क्वार्क बनेगा तो प्रोटॉन फॉर्मेशन होगी, और न्यूट्रॉन क्योंकि न्यूट्रल पार्टिकल है तो ओवरऑल चार्ज इसके ऊपर जीरो होगा और प्रोटॉन के ऊपर +1 चार्ज होगा। तो दीज वर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द मैटर। आई होप गर्ल्स आपको स्टूडेंट्स आपको आई होप ये समझ आया होगा लेक्चर।
थैंक यू सो मच।